देखिए, कुछ कैंडिडेट क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे अपडेट करते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मुझे ये लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिफिकेशंस हैं यूजीसी की तरफ से रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए, और उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी, आप स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए आप बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास चाहिए। तो एक तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से ही रिलेटेड है, दूसरी बताता हूँ, यहाँ कहाँ गए ये, वापस जाएंगे कहाँ गए ये ओके, ये डॉक्यूमेंट है। जब कोई, देखिए, यूजीसी जब कोई गाइडलाइन रेगुलेशन देती है, जैसे डीपीआई भी अब दे रही है, कोई यूनिवर्सिटी भी देती है, तो वो 100% अपनी तरफ से क्लियर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एम्पिरिकल प्रॉब्लम जब किसी को आती है, जैसे इतने क्वेश्चन आए आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, तो वो जो रूल बनाने वाला है, रेगुलेशन बनाने वाला है, उसको तब क्लियर नहीं थे, जब क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज़ वाई क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन पूछे गए ऐसे यूजीसी रेगुलेशन में, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई डिफरेंट केसेस थे, उन्होंने यूजीसी को रिटन क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। दैट इज़ वाई उन्होंने फ्रिक्वेंसली आस्क क्वेश्चन में उनको रख लिया। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ठीक है, इतना इतना ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में रखा गया, और उनकी क्लैरिफिकेशन एक नोटिस के जरिए दी है, वो आपके सामने है। इसको क्लैरिफिकेशन, ये यही लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए इंडिया में से डिफरेंट यूनिवर्सिटी में से डिफरेंट क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तो रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबिलिटी के संदर्भ में है, तो उसकी ये सीधा डॉक्यूमेंट है, पेश कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो, नेट से देख सकते हो। अगर यहाँ से देखना है ये भी देख सकते हो। तो वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्लैरिफिकेशन है। फर्स्ट है कि बाकी क्वेश्चन कई रिपीट हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आर द स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर टू रेज द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेगुलेशन? आर द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू इनकॉर्पोरेट एडिशनल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ओवर द अबव दीज प्रिस्क्राइब्ड? दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, ये पूछ रहे हैं जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये उत्तर क्या दिया गया? कहते हैं हमने मिनिमम बताया है, आप मैक्सिमम इससे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 55% वाला एलिजिबल है, तो कोई यूनिवर्सिटी, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 60% एलिजिबिलिटी रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है? तो ऐसे वो रेज कर सकते हैं, ये क्लैरिफिकेशन है कि यस, ये किसने करना है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकती है, जहां वो यूनिवर्सिटी कर सकती है, ठीक। यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी लिखा है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ हमारे क्या है, डीपीआई, कॉलेज हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, वो आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिफिकेशन कि व्हेन यूजीसी रेगुलेशन ओनली प्रोवाइड द मिनिमम 55, सॉरी 55% ऑफ मास्टर डिग्री लेवल इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, डज द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू इंसिस्ट द कैंडिडेट मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल? कि आपकी अंडर ग्रेजुएशन में भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वाइल द असेसिंग द एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ ए कैंडिडेट एज पर टेबल डैश, ठीक है, रेफरेंस दिया हुआ है, शुड ए बैचलर डिग्री बी कंसिडर्ड और नॉट? इफ कंसिडर्ड, शुड दैट बी इन ए रेलिवेंट सब्जेक्ट और इन एनी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन? जैसे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, आपके मास्टर लेवल पर ये क्वालिफिकेशन आपकी बनती है, क्या ग्रेजुएशन को तरजीह देनी चाहिए कि उसमें भी कम से कम इतने मार्क्स चाहिए कि उसके बिना ही आप ये रखने हैं? तो जैसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात आ रही है, 50% या 45% या 55%, ये कंडीशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, जबकि आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन से, नेट का भी जो संबंध है यूजीसी नेट का, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्होंने कहा है, आंसर ये है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हैज बिन लेफ्ट टू बी डिफाइंड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ कौन आ गया? डीपीआई, कॉलेजेस,
जो हायर अथॉरिटी हमारी है और यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अपॉइंट होना है वो भी ये डिसाइड कर सकती है, कोई यूनिवर्सिटी रख सकती है कि मैंने मिनिमम इतनी रखनी है इतनी रखनी है। ये मैं बात कर चुका हूँ कि राजस्थान में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में वहाँ 50% से 45% करवा लिया गया था विद द प्रेशर। इलेक्शन के डे से हमारे जैसे ये चल रहे हैं उधर भी ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर डेमोक्रेटिक पावर, यू वांट टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज रेलेवेंट सब्जेक्ट मीन बाय प्रोविजन पैरा व्हेन द रिक्रूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का दिन है, अगर कोई कैंडिडेट इसको पढ़ता है तो वो अप्लाई कर सकता है। व्हेन रिक्रूटिंग ए कैंडिडेट फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट डज कैंडिडेट हैविंग डन MBA मैनेजमेंट सब्जेक्ट बिकम रेलेवेंट सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स। क्या अगर MBA जहाँ उस ये आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है, आपने क्वालिफाइंग डिग्री ली है, UGC नेट क्लियर किया है, क्या आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो? आंसर क्या है? द रेलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है? यहाँ पर मान लीजिए ये मैनेजमेंट है और ये कॉमर्स है, ये अलग डिसिप्लिन है, ये अलग डिसिप्लिन है। ये कहते हैं कि ये विवाद पैदा हो रहा है कि इनकी नेचर सेम है, इनको बराबर का दर्जा दे दिया जाए। ये वाले इधर जा सकते हैं, ये वाले इधर आ सकते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। कहते रेलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट और इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब HOD ऑफ मैनेजमेंट, HOD जहाँ उनके डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट और कॉमर्स के HOD जहाँ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट, ये डिसाइड करेंगे उसी यूनिवर्सिटी के हमने मैनेजमेंट और कॉमर्स को सेम समझना है, इंटर डिसिप्लिनरी का स्टेटस देना है, मतलब कि आपके कैंडिडेट हमारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे आपके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोविज़न देनी है। तो ये सारी जो अथॉरिटी है क्लैरिफिकेशन में UGC ने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को और यूनिवर्सिटी को दी गई है, वो यहाँ पर आपको पता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है पंजाब की, और दूसरा है कि DPI कॉलेज। फिर सारा घूम फिरा के सारा मुद्दा कहाँ आ गया कि DPI के पास सारा कुछ है कि वो क्या डिसाइड करेंगे। तो वो आप अगर चाहते हो तो डिसाइड करवा भी सकते हो। वाइल कंसिडरिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड व्हेन द कैंडिडेट हैज़ चेंज्ड डिसिप्लिन एट डिफरेंट लेवल अंडरग्रेजुएट PG नेट PhD शुड दैट बी कंसिडर। तो ये भी उन्होंने कहा है कि पिछली की तरह अपॉइंटिंग अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी कैन डिसाइड, उन पर छोड़ दिया है, ये वाला आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ डिफरेंट सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए डिफरेंट सब्जेक्ट ही और शी एलिजिबल फॉर रैंक। पिछले वाला लगभग सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंट वो डिसिप्लिन है कि वो इस डिसिप्लिन के लिए जिसमें नेचर मैच करती है अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने फिर कहा है कि रेलेवेंस वही जो को आंसर है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू डिसाइडेड बाय एकेडमिक अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी सॉरी और यूनिवर्सिटी। ये रिपीट हो रहा है बार बार। डिक्लेरेशन इनकॉर्पोरेट एडिशनल सेक्शन ऑफ क्राइटेरिया अमाउंट चेंज टू बी गेम, नहीं ये नहीं आपके लिए। हाउ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अंडर ग्रेजुएट लेवल इज डिफाइंड इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट UGC रेगुलेशन। तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर टू बी कंसिडर्ड, हाँ जी ये रखना ही रखना है, उसकी डेफिनेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, हाउएवर रेलेवेंस मे बी डिसाइडेड बाय, वो तीन चार बार वही जवाब आ रहा है। तो एक और है कि फॉर कन्फरिंग द मास्टर डिग्री इज प्री रिक्विजिट दैट कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री एट लीस्ट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो बैचलर डिग्री में भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, उससे रेलेवेंस वो सेम है जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी है, वो पीछे बात हो चुकी है। तो उसका आंसर क्या है कि ये क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दी है, एज़ पर UGC मिनिमम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ग्रांट
डिग्री तो नो स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन एनी ऑफ दी फैकल्टी अनलेस ही और शी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड एज क्लैरिफाइड पॉइंट नंबर 4 वाला जो ऊपर बात करके आए हैं, 4 नंबर पर बार बार बात हुई है, 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये 4 नंबर रहा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये द रेलेवेंट सब्जेक्ट, ये डिसिप्लिन वो ही कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये बात पक्की है, ये डिसाइड किसने करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने लगना है उसने, उसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उन्होंने, या DPI ने, नेचुरली इनकी सभी की कोऑर्डिनेशन से। तो क्या वो 45 कर दिया जाए, क्या कॉमर्स को मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कॉमर्स में आने दिया जाए? तो ये अगर देखिए, अगर आप डाउट में हैं कि आपने फॉर्म फिल करना है मैनेजमेंट वाले कॉमर्स के लिए करना चाहते हैं, तो अगर आपका पिक करता है सॉफ्ट कॉपी जो आप ऑनलाइन फिल करते हो, तो आप फिल कर दीजिए, ठीक है? तो क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन अभी आपने मांगी नहीं, कल का दिन रह गया, कि आपने भी ऐसे ही क्लैरिफिकेशन इनसे मांगनी है, क्या हम एलिजिबल हैं मैनेजमेंट वाले? तो ये क्लैरिफिकेशन जो UGC ने दी है उसके बेस पर आपने क्लैरिफिकेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन DPI से मांगनी है कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उतना टाइम नहीं है, आप कोई अपराध नहीं कर सकते, इसलिए आप, अगर आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है, आपको कर देनी चाहिए, ठीक है? इसका डिसीजन बाद में आपके फेवर या अगेंस्ट दोनों तरफ 50-50 इसको लेके चलिए, लेकिन आप ये तो हो गए, लाइन में लग गए हैं। दूसरा, आप टेस्ट ही दे रहे हो, उसकी तो तैयारी करो, कुछ सीखोगे, लर्न करोगे। सो मेरे से हिसाब से उनको अप्लाई कर देना चाहिए। MCQ क्वेश्चन पर वो कुछ स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर जो जिनको लगता है, वैसे आप तो सारे एडवांस हो, मेरे से आगे हो, मैं काफ़ी नालायक हूँ। मैंने ये छोटी छोटी बातें यूट्यूब पर तो बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने थोड़ा साइकोलॉजिकल वे से उनको बताया है, साथ में एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल आपकी रिसर्च की है, रिसर्च अभी सभी सभी को एक यूनिट आना ही आना है, कम से कम 2 या 1 यूनिट आपके हर सब्जेक्ट में है, तो वो रिसर्च के आंसर भी, इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्पल दूंगा उसमें मिलेंगे। एक एग्जाम्पल में कम से कम आपको 10-20 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो अगर आप चाहो तो वो अटेंड देख सकते हो वीडियो। MCQ सीरीज निकाल रहा हूँ कि MCQs बेस्ड टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपकी कोऑपरेशन के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए, आपने जो गलतियाँ मेरी निकाली उसके लिए सच में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।